हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम एक नई बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये है मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल। बहुत फेमस बुक है, बहुत सारे लोग इसे रिकमेंड भी करते हैं। आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। मेरे पास ये बुक थोड़ा पुराना वर्जन है, मैंने पहले से पढ़ी हुई थी। SSC के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। एक बार हम पीछे देखें इसे, तो इसकी प्राइस आपको, वह उस हिसाब से मुझे पड़ी थी 760 के करीब पड़ी थी। हाँ तो दोस्तों, चलिए अब एक बार इसके अंदर देख लें कि क्या कंटेंट्स हैं। देख लीजिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। हाँ, ये अब ज़रा देखें वर्बल रीजनिंग में, जैसे कि ये मैं बुक मैंने पढ़ी हुई है, तो आप देख ही सकते हैं, टिक वगैरह किए हैं, कुछ नोट डाउन किया होगा मैंने। सीरीज कंप्लीशन आ जाता है इसमें, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, बर्ड रिलेशनशिप्स, पजल, सीक्वेंशियल आउट ट्रेसिंग है, डायरेक्शन सेंस है, वेन डायग्राम है, डेटा सफिशेंसी, सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, फिर अगर लॉजिकल डिडक्शन, नीचे आए हम सेकंड में, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन। बेसिकली ये बुक जो है SSC एस्पायरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। आप इनको बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया होगा, इवन आपके टीचर्स ने, आपके कुलीग्स ने, आपके जो साथ पढ़ते हैं फ्रेंड्स ने, आपने पढ़ी भी होगी, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी कहीं ना कहीं से। और अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ जाएं, तो मैं आपको इतना बता दूं कि इनफ कंटेंट है, मतलब कि इनफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। SSC के लिहाज से बहुत अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल। और PO की अगर आप पूछ रहे हैं, तो हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस PO लेवल के तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ क्लरिकल लेवल के जो हैं बैंक के, वो आपको मिल सकते हैं। PO लेवल तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि PO का लेवल थोड़ा थोड़ा इससे हाई लेवल है। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जामिनेशंस की, वो उन्होंने भी पढ़ी होगी, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बेसिक अपना कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया ही होगा। लेकिन हाँ, SSC के लिहाज से बहुत ही अच्छी बुक है ये। सीरीज कंप्लीशन, जैसे आप देख ही सकते हैं, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया है, बेसिक एग्जाम्पल्स देख के। इतने जो क्वेश्चंस हैं इनके, जितने भी हैं, वो प्रैक्टिस के लिहाज से तो इनफ है, लेकिन कोई, मतलब मैं कहूँ कि बहुत टफ लेवल नहीं है इस बुक का। ये देखिए, HM से रिलेटेड है, CPU, MCA, SSC, MAT रिलेटेड है, थोड़े बहुत आगे आए एनालॉजी। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कि दी हुई हैं किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, एनालॉजी से काफ़ी मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, जैसे कैंडल वैक्स पेपर है तो क्या होगा, ट्री होगा, वुड है, बैम्बू, ये सब SSC के लिहाज से आप देखें तो, मतलब कि आपको इस जो है ग्रुप CD के लिहाज से भी जितने भी आते हैं रेलवे के, वो उस लिहाज से भी बहुत यूज़फुल है ये बुक रीजनिंग के लिए। और अगर हम आगे देखें, इसमें हर एक टॉपिक जो है वो कवर दिया हुआ है वर्बल रीजनिंग में। आई थिंक आज से अगर हम 5 साल पहले चले जाएं, और अभी से भी टाइम अगर हम कंसिडर करें, तो 5 साल पहले मुझे लगता है कि हर किसी कोचिंग सेंटर में एक ना एक बार तो बोला ही गया होगा कि हाँ, ये भी बहुत यूज़फुल है बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा किसी को भी, अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जितनों के पास भी देखा है ना, उनके पास बोलते हैं कि हाँ, बड़ी अच्छी बुक है, ये है वो है। और अभी अगर आप देखें तो लेवल तो आपको पता है दिन ब दिन जो है वो हाई जा ही रहा है, लेकिन हाँ, इसमें आपको ऐसी बात नहीं है, हर एक चीज़ मिल जाएगी एक्सरसाइज के लिहाज से। ये देखिए, एनालॉजी के लिहाज से कितना कितने एक्सरसाइज सेट हैं, 94 पेज। क्लासिफिकेशन कोर्स, तो ऐसी बात नहीं, एक्सरसाइज जो है वो इनफ क्वेश्चंस हैं, इनफ प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे।
और एक एक्सरसाइज 3 सेशन में 3 ABC 3 KF जितना भी है 4B कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, ये तो बैंक में भी आते हैं रिलेटेड। बेसिक के लिहाज से बहुत अच्छी बुक है, किसी बंदे को शुरू से शुरुआत करनी हो रीजनिंग की तो बहुत अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं है। बाकी आपको पता है कि आगे से आगे आप लेवल कितना भी हार्ड कर दें, हार्ड क्या होता है यार, बहुत सारी सिचुएशन दे देंगे आपको, बहुत ज़्यादा मतलब कि बता देंगे कि ये भी चीज़ है वो भी चीज़ है, ये भी हो तो ऐसा कैसा होगा, इसको भी ना है। बाकी बहुत अच्छी बुक है ये बुक, एक बार पढ़ने से मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक बार पढ़ने से कोई बुक नहीं आएगी, चाहे वो कितनी भी इजी हो या कितनी भी टफ क्यों ना हो। रादर देन 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार मन लगा के पढ़ा जाए, प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि आप एग्ज़ाम देते रहते हैं, वो निकलता इसीलिए नहीं है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस या तो बीच में छूट गई है, मेन चीज़ तो यही है, या फिर एक बुक पे आप रिलाई नहीं कर पा रहे। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन के, वो हमेशा थोड़े बहुत डिफरेंट आ ही जाते हैं, कुछ नहीं होता, दिमाग से खेल रहा होता है कैंडिडेट के। देख लीजिए आप कोडिंग डिकोडिंग में इनफ क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिस के लिए लिहाज से तो ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एस एस सी एस्पायरेंट्स के लिए हर एक चीज़ मिलेगी, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस, आपके जो पैटर्न हैं डायग्राम पैटर्न होते हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके जितने भी हैं, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। आई एम श्योर आप ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे, वहाँ से भी कहीं ना कहीं से पेपर डाउनलोड करते होंगे प्रीवियस ईयर, तो आप देख सकते हैं। आपको पेपर फोल्डिंग के लिए जो पेपर कटिंग वगैरह है उसके लिए तो आई थिंक ये बुक बेस्ट ही है, हर एक एग्जाम्पल दी हुई है, टफ से लेके बहुत सिंपल, हर एक बेसिक दी हुई है, पजल टेस्ट ये देखिए। यही सब बैंक एस्पायरेंट्स के लिए आजकल, ये अगर पजल आती ही आती है, 4-5 आ रही है इवन फ्री में, पीओ लेवल में। बस उन्होंने सिचुएशंस जो होती हैं वो काफ़ी देरी होती हैं, 2-3-4 सिचुएशन, फिर हमें उस हिसाब से मैच करना पड़ता है और तब तक टाइम हो रहा होता है हमारा। वहीं पे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं वो एक बार पढ़ के ही जितनी एक एक लाइन एक एक चीज़ पढ़ पढ़ के माइंड में एजम्पशन लगा लगा के 2 या 3 उसकी सिचुएशन बना लेते हैं। पजल सॉल्व होगी क्वेश्चन से तो है ही नहीं, क्वेश्चन को देखना है और जो आपने पजल सॉल्व की है बस उसे आंसर देना है, मेन चीज़ है पजल सॉल्व होगी कैसे। ये देखिए इनफ इनफ क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं है। एसएससी के लिहाज से आई थिंक रीजनिंग के लिए मैं तो कहूँगा यार कि एक बार जिसने बुक पढ़ ली ना, कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा उसमें, ऐसी बात नहीं है। बाकी प्रैक्टिस पेपर आप प्रैक्टिस सॉल्व करते रहो प्रैक्टिस करते रहो, निकल जाएगा आपका पेपर एसएससी का। वर्बल रीजनिंग देखिए, अभी तक वर्बल रीजनिंग ही चल रही है, पजल टेस्ट ही हमारे अभी तक खत्म नहीं आ रहे, तो कोई पूछना नहीं पड़ेगा कि इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे पजल के या के कितने होंगे। कोर्स एंड एक्शन आएगा, अभी अल्फा न्यूमेरिक आएगी, इनपुट आउटपुट ये देखेंगे, इनपुट आउटपुट स्टेप 1 स्टेप 2 इनफ मिल जाएगी। डायरेक्शन सेंस हर एक चीज पहले एग्जाम्पल से बताई हुई है, फिर उसके आगे प्रैक्टिस है। वेन डायग्राम्स डायरेक्शंस एंड आई थिंक ब्लड रिलेशनशिप्स में तो आपका हाथ काफी अच्छा होगा, मुझे जहां तक लग रहा है, आप लोग तैयारी करते हैं आपको पता ही होगा, वो तो इतना कोई मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई इश्यू होगा आप सबके लिए। मेन चीज़ जो है मैंने देखा पीओ वाले कहते हैं कि पजल बहुत टफ आती है, ये बहुत मतलब कि मुश्किल आती है, बैंक पीओ की बात कर रहा हूँ, जैसे एसबीआई पीओ अगर आपने दिया होगा यू नो, तो ये आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस का थोड़ा सा लेवल इतना टफ नहीं है एसबीआई पीओ के लिहाज से, बट
थोड़ा सा, ये नहीं कह रहा टफ नहीं है, थोड़ा सा उससे एक लेवल डाउन ही होगा। और आजकल तो बच्चे हर कोई पजल पे इतना ध्यान दे रहे हैं, आई थिंक पजल को तो आप मिस कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आ रही हैं पजल के लिए मार्केट में, ये बुक इस नाम से, इस कंपनी की, ये पजल की एक अलग ही सेट निकाल रहे हैं। आई थिंक पजल का किसी ने सोचा भी नहीं था, आई थिंक जो हमारे टेस्ट डालते हैं एग्जामिनर ने आज तक नहीं सोचा होगा कि पजल इतनी मशहूर हो जाएगी। उसने वैसे ही मेंटल एबिलिटी चेक करने की के लिए डाली, लेकिन आज आप देख लीजिए कि पजल कितनी फेमस हो गई है। फ्री में तो पजल मतलब कि है ही पजल, अगर पजल निकाल दिया तो रीजनिंग निकल गई उसकी। अल्फाबेटिक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हर एक चीज़ मिल जाएगी छोटी बड़ी आपको उसमें। उसके बाद हम निकालें डेटा सफिशिएंसी, यस ऑफ कोर्स डेटा सफिशिएंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। डेटा सफिशिएंसी आप तभी चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपने पढ़ा हो, मतलब कि बाकी सारे चैप्टर्स पढ़े हों, जैसे डायरेक्शंस हो गई या ब्लड रिलेशनशिप्स हो गए या और कुछ हो गया, क्योंकि इसमें आपसे जैसे पूछा हो कि रैंक पूछी है किसी की या मतलब डायरेक्शन, विच डायरेक्शन है, लेकिन अगर आपने डायरेक्शन वाला पढ़ा ही नहीं हो तो डेटा सफिशिएंसी कैसे करेंगे। डेटा सफिशिएंसी सीधे सा मतलब है कि जो डेटा दिया, इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको 2 पॉइंट या 3 पॉइंट में दी है, 1 पॉइंट से ही क्या मतलब कि आप आंसर दे सकते हैं उसका, 2 पॉइंट से, 3 पॉइंट से, या फिर तीनों मतलब कि उससे रिलेटेड नहीं है, तीनों से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इनफ नहीं है आंसर देने के लिए। वो कैसे होगा, जब आप आपने वो चैप्टर्स पढ़े हों, अटेम्प्ट किए हों वो एक्सरसाइज। सिचुएशन, यस ऑफ कोर्स, सिचुएशन रिएक्शन, ये तो आ ही जाएंगे आपको, आई थिंक ये क्वेश्चन तो आता ही है, एक या दो क्वेश्चन। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, यस बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है गाइस। ये देखिए और ये देखिए पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग प्रॉब्लम, इनफ मिल जाएंगे आपको यार, 250 क्वेश्चन आ रहा, इससे ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा इतना बता दूंगा आपको, ज्यादा ही मिलेगा यार, 250 से भी क्या, 250 से भी ज्यादा मिल जाएंगे क्वेश्चंस। एनालॉजी, ये देखिए सिमिलर पैटर्न देखना होता है इसमें। और अगर हम बात करें कितने पेजेस की है ये पूरी, तो ये देखिए ऑलमोस्ट 600 पेजेस, 592 पेजेस की बुक है। फिर मैं बता दूं आपको, SSC, LIC, इवन आपके LIC AA के लिहाज से बहुत अच्छी बुक है। और जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC के लिए, मैं तो उनको रिकमेंड ज़रूर करूँगा ये बुक। बाकी गाइस थैंक यू, ये था आज का रिव्यू, एक शॉर्ट रिव्यू, आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।